गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल। और गाइस हम लोग सोए थे 4:30 बजे और अभी मेरे ख्याल से 10 बज गए। उठने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें एक था पंडाल कवर करने जाना था, बोलते हैं वो इसका श्री भूमि का, काफ़ी अच्छा था। रात को काफ़ी भीड़ थी, 3-4 बजे तक भी काफ़ी भीड़ थी, तो हमने सोचा मॉर्निंग में जाके कवर करेंगे, अच्छे से देखना हो जाता, ज़्यादा भीड़ में देख नहीं पाते ना रिकॉर्ड कर पाते। तो हम लोग अभी बस यहाँ से फ्रेश होके अभी जाएंगे और एक गोल्डन टेम्पल का भी पंडाल लगा, सेम रेप्लिका यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, तो अगर टाइम मिला तो वो भी जाएंगे। बस इतना ही करेंगे, काफ़ी सारे हमने कल भी कवर किए, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 10 से भी ज़्यादा बज गए होंगे और नींद पूरी नहीं हुई है। 4:30 बजे हम सोए थे घर आके, फिर भी देखते हैं जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं फिर निकलते। बाबू ये तो देवानंद वाला टोपी लाया तो वो कौन दिया ये कैप? और ये देखो इतना सारा, अरे बाप रे बाप, इतना सारा चिप्स का पैकेट, बेटा पेट में कीड़ा हो जाएगा तेरे, इतना सारा चिप्स कौन दिया? एक और, वाह ये तो लॉटरी लग गई। अरे ये भी दिया, दिखा इसको सीधा करके तो दिखा, इसका मुंह तो दिखा। ओ बाबू ये तो तेरे जैसा है बेटा, कौन दिया ये? अरे वाह तेरे को तो इतना सारा सामान मिल गया। यस अब इसमें मेरे को दे, मेरे को कितना देगा इसमें से, मेरे को कितने देगा चिप्स? आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको जोकर वाला मिलेगा। ओके और आपको साथ में केक भी मिलेगा। चलो आज हम जाने वाले हैं श्री भूमि में, क्योंकि अभी 3 बजे है, अभी श्री भूमि शायद खाली मिल जाएगा, लेकिन बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी तो हमें खाली नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा खाली, देखो नहीं तो कल ही दर्शन होंगे, कल भोर में आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी चेकआउट करके आते हैं, चेकआउट करके नहीं आएंगे हम, देख करके पूरा अच्छे से ब्लॉग बना लेंगे। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये श्री भूमि का पंडाल है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है, वॉइस क्वालिटी नहीं आती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ है, अभी 3 बजे से इतनी भीड़ हो गई है। रिकॉर्डिंग अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या थीम है, थीम का हमें आइडिया नहीं है क्या है, अंदर जाने के बाद ही मालूम चलेगा किस तरीके की थीम होने वाली है। लेट्स मूव इनसाइड एंड देखते हैं कि क्या होता है अंदर, देखने में काफ़ी अच्छा है। और अभी 3 बजे इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि रात को जब हम 3:30-4 बजे आए थे जब कितनी भीड़ थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि सुबह आएंगे, लेकिन हमारा कोशिश हुआ नहीं, हम लोग उठ गए थे रात को लेटे सोए थे, उसके बाद उठे लेटते थे, फिर भी हमारे को निकलते निकलते लेट हुए और अभी इतनी भीड़ हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा आता है यहाँ।
हाइप जितनी हाइप थी ना उतना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और मेरे को तो नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। जितना सोच के आए थे उससे मतलब मेरे को 10% भी नहीं लगा जितना तारीफ सुना था। और रात को हम 4 बजे तक रुके थे और उसके बाद अब मॉर्निंग में जल्दी उठ के आए। इससे अच्छे तो पंडाल हमने काफ़ी सारे देखे थे, ठीक है। दुर्गा माँ की फ़ोटोज़ है काफ़ी अच्छी, वो तो हमारे लिए पूजनीय ही है, उसका कोई वो नहीं है। जो हाइप बनाया गया था उसके बारे में मैं बात करूँ, क्योंकि जो हाइप रहता है ना कि हाँ भाई हम एक दुर्गा पंडाल जा रहे हैं यार, बहुत बहुत ही लैविश है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। जो हमने सुना था कि यार 4-4, 5-5 घंटे की लाइन लग रही है, तो उस हिसाब से कुछ नहीं है, नॉर्मल पंडाल है। पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा होगा मैं उसका बेस्ट है बलियाघट्टा। जो हम रात को गए थे उसका कौन सा था? बलियाघट्टा 33 पाली, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा था, मेरे को नहीं अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा होगा। अब देखते हैं वो गोल्डन टेम्पल की थीम पे जो बना है उधर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, रात को जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ होनी चालू हो गई, रात को जाएंगे 12-1 बजे के बाद, उसके बाद देखेंगे क्या। विक्टोरिया भी जाएंगे, इसको बस टाइम मिलना चाहिए कहीं पे भी कुछ भी खरीदने का। एक मिनट, मुझे पॉट भी है क्या? अच्छा, कोई भी दो मिक्स करके ले लो यार, येलो रेड और रेड और पिंक और पिंक और येलो, दोनों तीनों ले लो, मेरे को तो सभी कलर अच्छे लगते हैं, मेरे ले ले जो ना ईटा ईटा दो, ईटा ईटा पिछले साल बाहुबली का था भैया, इसमें पिछले साल बाहुबली का थीम था, 2 साल पहले, पिछले साल कौन सा था? पद्मावती का। इस बार कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं है, प्लेन है। हम तो बाहुबली के चक्कर में आए थे देखने के लिए कि बहुत बोले नाम बहुत है इसका, भीड़ रहती है बहुत। ओए गुड़िया, गुड़िया बाबू हाथ पकड़ लेके गया, चलो अब बहुत चालू हो गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बहुत चालू गाइस अब हम आ गए
गाइज, अब ये जो बेस्ट पंडाल है, सुबह से हमने इसके बारे में सोचा था, ये पूरा गोल्ड से तैयार किया गया है और इसमें 18 से 20 करोड़ रुपए खर्चा करके इस पंडाल को तैयार किया गया। काफ़ी मोस्ट सर्च्ड पंडाल है ये, काफ़ी सर्च कर रहे हैं लोग इस पंडाल के बारे में, लोग देखना चाहते, घूमना चाहते। मेरे पास इंक्वायरी आई थी व्हाट्सएप पे, तो हम इसको ढूंढ करके घूमने आए इस पंडाल को। आपको दिखाता हूँ पूरा पंडाल किस तरीके का, आप भी देखिए। दर्शन तो होगा, जल्दी से कुछ स्ट्रीट फूड का फायदा उठाते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड अच्छा है, देखते हैं निकी क्या खा रही है। निकी क्या खा रहे हो? चिकन जी बनवा लो। क्या है? घुगनी। घुगनी कोलकाता रहे भालू स्ट्रीट फूड का। तब हम आ गए भवानीपुर आज़ाद हिंद ढाबा के बगल में। छोटे छोटे पंडाल से काफ़ी अच्छे पंडाल बने हुए हैं और हमें भी इंजॉय हो रहा है। रात के लगभग लगभग 2 बजने वाले, अब हम जाएंगे और काफ़ी सारे पंडाल इंजॉय करेंगे। और ये देखो काफ़ी अच्छा है, तो ये रख देते हैं और ये रहने देते हैं।
गोल्डन टेम्पल की रेप्लिका जो बाहर से एकदम पूरा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जैसा लगता है, वो हम सुबह से सर्च कर रहे थे, अब जाके मिला है रात के 3:30 बजे हमें मिला है। पूरा इस तरीके से बनाया हुआ जैसे अमृतसर में बना हुआ है ना गोल्डन टेम्पल, सेम उसी स्टाइल का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देखेंगे ऊपर नकाशी की ये सेम आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे से वेल डेकोर्ड है और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ अंदर से किस तरीके से है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा, रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है। क्या बोलते हैं भैया इसको? ये तो चना जोर गरम है। चना चूर? चना जोर गरम। चना जोर गरम तो बॉम्बे का है? नहीं है तो यही का। Thank you.
खड़ा था बेटा। मुझे बुद्धू बनाना है। तेरे को क्या बुद्धू बनाना, तू आई बुद्धू। हाँ चलो भैया चलो। मुझे बुद्धू ना चले और अब जाए।